हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो लोग कान के दर्द को घर में ठीक करना चाहते हैं। इसमें बहुत ही इजी ऑप्शंस मैंने बताए हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन मैं बता रही हूँ आपको, वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो कान के दर्द को ठीक करने के लिए। अब ग्लिसरीन को आप कैसे यूज़ करोगे उसका तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ, बहुत इजी है। जस्ट आपको ग्लिसरीन स्पून में लेना है 2 to 3 ड्रॉप्स एंड आप उसको डायरेक्टली कान में डाल दोगे स्पून की हेल्प से। अब आपको यहाँ पे एक और बात याद रखनी है, ये आप कब करोगे, जब आप सोने वाले हो उससे पहले आपको ये करना है। जैसे कि आपने जब भी इसको कान में डाला, या आप बेबी के कान में डाल रहे हो या किसी अडल्ट के, मेक श्योर आप इसको डालें और सो जाए, या फिर सोने से पहले करें रात में। तो आप इसको डालकर सो जाओगे और जब आप सुबह उठोगे तो आपका कान का दर्द पूरी तरह से जाता रहेगा। और ये मैं अपने किड्स के लिए यूज़ करती हूँ और इसका इफ़ेक्ट एक्चुअल में आपको पता चलेगा जब आप इसको यूज़ करोगे। ग्लिसरीन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट करती है किसी भी हार्ड चीज़ को, जैसे कि हमारे ईयर वैक्स जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, स्टोन बन जाते हैं, जिसकी वजह से कान में पेन स्टार्ट हो जाता है, तो ग्लिसरीन उसको सॉफ्ट कर देती है और इजीली आप उसको रिमूव कर सकते हो। नाउ मैं आपको बताऊँगी ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में आपको क्या करना है, बहुत ईजी है। ऑप्शन 2 हमारे यहाँ सबके घर में कोकोनट ऑयल अवेलेबल होता है। आपको लहसुन की 2 कली लेनी है, कोकोनट ऑयल लेना है उसके साथ। कोकोनट ऑयल उसके साथ में लेने के बाद स्पून में आप उसको डायरेक्ट फ्लेम पर स्पून रख कर अच्छी तरह से तेल को गरम कर लोगे। इतना गरम करना है आपको कि जो वो लहसुन है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाए, जिससे पता चलेगा आपको कि तेल अच्छी तरह से गरम हो चुका है। अब ये बहुत ज़्यादा गरम तेल आपको डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है, पहले आप वेट करोगे अच्छी तरह से तेल गरम हो जाए, अच्छे से लहसुन डार्क कलर में कन्वर्ट हो जाए, डार्क ब्राउन में, देन आप उसको ठंडा होने के लिए साइड में रख दीजिए। जैसे जैसे वो ठंडा होगा आप उसको चेक करते रहना है, छोटा सा स्पून आपने लाना है और उससे आपको इसको चेक करना है कि ये कितना ठंडा हुआ है। आप इसको चेक करते रहोगे, आपने वेट करना है उसके ठंडा होने तक। आप उसको फिंगर से चेक करते रहोगे कितना ठंडा हुआ है। आप ज़्यादा गरम तेल कान में नहीं डालना है आपने, ये बात आपको याद रखनी है। आपको चेक करते रहना है कितना ठंडा हुआ है, ज़्यादा ठंडा तेल भी कान में नहीं डालना है और ज़्यादा गरम भी तेल ना हो कान में डालने के वक्त। वार्म, ज़्यादा हॉट ऑयल आपको नहीं डालना है कान में, इतनी बात याद रखनी है आपको। उसको चेक कर लेना है, जैसे मैंने वीडियो में चेक किया है आप वैसे देख सकते हो। फिंगर्स टच करना है आपने और जैसे ही ये ठंडा हो जाए आप उसको कान में डाल सकते हो। और अगेन आपको याद रखना है ये सोने से पहले आप यूज़ करें, ताकि आप इसको कान में डाल के आराम से सो सके और जब आप सुबह उठोगे तो आपका दर्द जाता रहेगा। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव ऑप्शन है, आप इसको यूज़ कर सकते हो कान के दर्द के लिए। आई एम श्योर आपको रिज़ल्ट ज़रूर ज़रूर मिलेगा। ठंडा हो जाएगा आप चेक कर लीजिए अच्छे से, देन आप उसको कान में डाल दीजिए। एंड देन आप कान में डालने के बाद बेबी है या कोई अडल्ट है उसको सोने के लिए बोल दीजिए, या बेबी है तो उसको सुला दीजिए। सुबह में उठने के बाद कान का दर्द पूरी तरह से चला जाएगा। ये देखिए, ये मेरी डॉटर का कान है, बहुत दर्द हो रहा था बीच में तो उसके लिए किया था हमने। नेक्स्ट मॉर्निंग में कान का दर्द पूरी तरह से चला गया था। थैंक यू सो मच।